प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व राजदूत और सच्चे देशभक्त और मेरे पर्सनल फेवरेट दीपक वोरा साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी एम्बेसडर दीपक वोरा सर, और जैसा हमेशा ही लगता है कि फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं। आई ऑलवेज फील लाइक दिस। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो। आप मुझे बुलाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी बेटी के साथ बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा ऐसा ही लगता है कि आई विश कि कभी मैं आपके साथ चाय या कॉफी पीते हुए बात करूं और कभी मेरी आपसे मुलाकात हो। ये लो, बहुत ये लो, कॉफी तो मैं अभी पी रहा हूं। That's good. लेकिन सर मुझे ये बताइए, आप तो कॉफी पी रहे हैं लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी बिजनेस कमिटी कह रही है ट्रेड होनी चाहिए ताकि हम भी कुछ टमाटर आलू प्याज मंगवा लें, तो क्या कहेंगे आप? अब ये ना कहिएगा कि ट्रेड हमने बंद की थी। नहीं, ये मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो सबको मालूम है किसने बंद की थी बेटा। इसमें जिन बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, जो मैंने स्टडी किया है, क्योंकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मेरी बहुत रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है, खासतौर से रिग्रेशन एनालिसिस। ये मतलब होता है कि आप वेरिएबल्स इन वेरिएबल देखें, किस चीज को आपने बरकरार रखना है, किसको बदलना है, एटसेट्रा, और आगे आपकी तरक्की कैसे होगी। यूरोप ने जब ये किया था 17-18वीं शताब्दी में बेटा, तो द मेन रीजन जो था वो था फ्री ट्रेड। वो एक दूसरे से ट्रेड करते थे और उस तरह से सबकी जो आर्थिक सिचुएशन थी वो और बढ़ती गई। ब्रिटिश भी भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए, हुकूमत कर जमा के बैठ गए, वो दैट हैपेंड सबसिक्वेंटली। शुरू में ट्रेड, क्योंकि ट्रेड वाज द बेसिक रीजन। नेपोलियन ने तो ब्रिटिश को ये भी कहा था कि आप तो एक नेशन ऑफ ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स हैं, और आपकी सारी तरक्की इसलिए हो रही है कि आप ट्रेड करते हैं। सो ट्रेड बिकम्स द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चीन में देखा आपने किस तरह से उनकी ट्रेड के जरिए लोगों को उन्होंने बेचना शुरू किया, वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए, फिर आगे बढ़ गए। हम लोग बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बन गए भारत में, और हमारी भी तरक्की होने लगी। सो ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं है जो सब कुछ बनाता है। जैसे हम ऑटार्की कहते हैं, मैं ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बाहर से लानी पड़ेंगी और अपनी चीजें वहां बेचनी पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारा GDP $4 trillion तक पहुंच चुका है, 4 trillion में 12 शून्य होते हैं, और हमारी जो फॉरेन ट्रेड है वो $1.5 trillion तक पहुंच चुकी है। यानी ऑलमोस्ट कहिएगा 30% जो हमारी GDP है, 30% हिस्सा उसका फॉरेन ट्रेड से, और इस साल शायद और बढ़ जाएगा। सो ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही एक रीजन के दूसरे रीजन के साथ हो, एक देश के दूसरे देश के साथ हो, या फिर मैम एक चीज बेटी आपको बता, आप दुकान पे कुछ खरीदने जाती है वो भी तो ट्रेड है, आप उसको पैसे दे रही है वो आपको सामान खरीद रहा है। सो ट्रेड के बिना डेवलपमेंट नहीं होती। इसलिए अगर आपकी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अब हम उसको स्वीकार करें कि नहीं ये अलग बात है, आई हैव नो कॉमेंट ऑन दिस, क्योंकि ये तो फिर बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसमें लोग तरह तरह के विचार रखते हैं। मैं इसको अपने जो मेरे मित्र हैं जिनसे जब मैं बातचीत करता हूं, मैं इसको कहता हूं पिलियन सिंड्रोम। अब आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पे एक तो ड्राइवर होता है, एक उसके पीछे बैठता है जिसने अपना हाथ मोटरसाइकिलिस्ट के कंधे पे रखा होता है, वो पिलियन राइडर होता है। दोनों फैसला कर लेते हैं भाई हमको लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, वो निकल पड़ते हैं। सामने वाला जो है वो बड़े ध्यान से सड़क को नेविगेट कर रहा है, उसके पीछे जो बैठा हुआ है उसने अब कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उसको भरोसा है कि ये मुझे सही जगह दे जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया में जब हमने देखा तो बहुत तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, तो इसको वो कहते थे फ्लाइंग गीज सिंड्रोम। आप देखेंगे जब ये उड़ती हैं बतखें, गीज जिसको हम कहते हैं, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, तो जब वो उड़ रही होती हैं आप देखते हैं कि सबसे सामने एक होती है, वो जैसे उड़ती है तो उसके पीछे वैक्यूम बनता जाता है, और फिर जो दो उसके पीछे या चार उनके पीछे, वो सब वैक्यूम में सक हो जाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। इसको फ्लाइंग गीज फॉर्मेशन कहते हैं, मैं इसको पिलियन राइडर फॉर्मेशन कहता हूँ। हमारे कई पड़ोसी मुल्क हैं, अब नाम मैं नहीं लूंगा, आप तो जानती हैं मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हैं, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि वी विल राइड
पिलियन विद इंडिया, पिगी बैक ऑन इंडिया। भारत की जो तरक्की हो रही है हम भी उसका फायदा उठाएंगे, हम ट्रेड करेंगे, उनको बिजली बेचेंगे, उनको गैस बेचेंगे, उनका अगर उनको पानी की जरूरत है हम वो भी उनको देंगे, जो चीजें उनको चाहिए हम देंगे ताकि उनकी तरक्की का फायदा हम भी उठा सके। ये बहुत बुद्धिमान एक प्रोसेस होता है, इट्स वेरी क्लेवर थिंग कि टेक एडवांटेज। लैटिन अमेरिका ने भी बहुत फायदा उठाया था यूनाइटेड स्टेट्स का, कितना बड़ा मार्केट है, ये टेक्नोलॉजी है। आपको तो याद होगा 1990s में सबसे ज्यादा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो थी वो लैटिन अमेरिका में जाती थी और वहां के बहुत से देशों ने तरक्की की बेस्ड ऑन द अमेरिकन लीडरशिप। ये चीजें अगर हम लोग स्वीकार कर रहे हैं साउथ एशिया में, जो हमारा इलाका, जो भले ही हम अपने आप को कहते हैं साउथ एशिया में है लेकिन हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन साउथ बना दिया हमको किसी ने तो चलिए हमने साउथ मान लिया। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि इकट्ठे मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि सबका फायदा हो। अब हमने क्या फैसला किया है बेटा, एंड आई एम सीइंग दिस इंक्रीजिंगली कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, हमने काफी कोशिश की, हर बार पहल की उनको सुधारने के का हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा ठीक नहीं हुआ, तो हमने फिर सेकेंड ऑप्शन लिया कि इग्नोर करिए, वो जो करते हैं उनको करने दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। कई बार मैंने सुना है हमारे जो लीडर्स हैं, और मैं खुद ये कहता हूँ कि उनका धर्म है हमारी मुखालफत करना, हमारा धर्म है आगे बढ़ना, हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए। हमारे पास तो एक टारगेट है 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भारत, एयर भारत अब उड़ चुका है, और जिस तरह आजकल सारी एयरलाइंस जो भारत में ऑपरेट करती हैं, मैं बेटा भोपाल से होके आया हूँ बाय एयर इंडिया, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। हमें बड़ी खुशी होती है ये ऐलान करते हुए कि हम निर्धारित समय से 15 मिनट पहले लैंड कर गए। अब भारत का तो टारगेट है, डेस्टिनेशन है 2047, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर, कि हम उससे बहुत पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे एज अ डेवलप्ड कंट्री। सो आई हैव द एम, आई हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे पास सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, और मेरे पास सेल्फ रिलायंस है, और इन सबको जब मैं मिलाता हूँ देन आई हैव प्राइड इन माई सेल्फ, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है, मैं दुनिया भर में इसको देखा है। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन सर पाकिस्तान आपको क्या लगता है कहाँ से ट्रैक से हट गया इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो क्या कभी पाकिस्तान में इकोनॉमी पे काम हुआ ही नहीं, और अगर हुआ तो फिर ये ट्रैक से हटके सिर्फ लोन्स पे और डोनेशंस पे कब चला गया? जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था इन 47 और हम लोग भारत की स्वाधीनता, भारत को स्वाधीनता मिली, इंडिपेंडेंस, बहुत देर तक पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे कहीं ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रही थी, और लोग कहते थे शाइनिंग एग्जांपल ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इस समय लिख रहा है। बहुत डेवलपमेंट वॉज, 6-10% आपकी इकोनॉमी ग्रो करती थी, हमारे को तो कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1.5-2%, लेकिन आप लोगों की इकोनॉमी बेस्ड थी फॉरेन इंटरवेंशन पे, वहां से पैसा लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट आया, हमारी थी मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो मेरा ये मानना है कि ये आदत पड़ गई कि जो कुछ होना है वो विदेशी आके करेगा। चीन में भी काफी हद तक यही आदत पड़ गई है कि विदेशी पैसा आएगा हम उसको लगाएंगे, हम उनकी नकल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब विदेशी पैसा नहीं आ रहा है तो चाइनीज इकोनॉमी आप देखिए कितनी परेशान है, क्योंकि डोमेस्टिक रिसोर्सेज को उन्होंने मोबिलाइज नहीं किया जो हमने किया था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने भी यही गलती की थी, लेकिन इट इज नॉट टू लेट सुधारने के लिए। अगर पाकिस्तान अपना गोल डिफाइन करे, मेरा गोल है 2047, आपका क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये रोमान पढ़िएगा लुईस कैरल का एलिस इन वंडरलैंड। अब उसके अंदर क्या होता है कि चेशायर कैट से एलिस कहती है कि मुझे यहां से बाहर निकलने का, वंडरलैंड से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो, तो चेशायर कैट पूछती है आपने जाना कहाँ है, एलिस कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं जाऊं, तो फिर कैट कहती है कि फिर कोई भी रास्ता ले लो। तो पाकिस्तान का डायलेमा यही है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। उसके अंदर एक और कैरेक्टर है एलिस इन वंडरलैंड में, वो एलिस से पूछता है कि भाई आप कौन है, तो वो जवाब देता है हाँ ये तो देखो कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि मैं कौन हूँ। आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन है आप, आप टर्किश हैं, आप अरब्स हैं, आप इंडियंस हैं। अगर एक बार आप इसका फैसला कर लें ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा लक्ष्य, फिर आप देखेंगे किस तरह से दरवाजे खुलते जाते हैं। अभी क्या हुआ है क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग, फौज और ये जो फैमिलीज आपकी बड़ी पावरफुल हैं,
तो जो आम नागरिक है मैम वो पाकिस्तानी स्टेट से अलग हो गया है और वो सोचता है कि वायलेंस हिंसा एक लेजिटिमेट अल्टरनेटिव है। मेरे जितने दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता हूँ कहता है मैं बलूच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैं ट्राइबल हूँ, हम तो डिटेस्ट करते हैं पंजाबी डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन सब मुसलमान हैं। फिर भी ये क्यों होता है? आप लोग कहते रहते हैं कि यू नो द लीडरशिप जो आपकी आपकी बात नहीं कर रहा, बेटी आप तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ये हिंदू इंडिया को आप बस हम लोग वो हमको खा जाना चाहता है, वो टाइगर मैं नहीं खाना चाहता, मैं बदहजमी नहीं चाहता हूँ। आई हैव टूडे डिसाइडेड कि मेरे सामने ये गोल है और सब लोगों को मिलके इसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हमारी इलेक्शन होने वाली है, ये जीतेगा वो जीतेगा, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? हमारा गोल तो बिल्कुल क्लियर है। तो जब ये माइंडसेट बदलेगा ना बेटा, दैट माय प्रायोरिटी इज नॉट कश्मीर, मैं बड़े आराम से ये बता रहा हूं, अगर पाकिस्तानी समझ जाए कि मेरी प्रायोरिटी वो टेरिटरी नहीं है, वो जमीन नहीं है जिसे हम कश्मीर कहते हैं, मेरी प्रायोरिटी डेवलपमेंट है। अगर आप इसको समझ जाए इंस्टेड कि आपका जो भविष्य आपने पूरा उसको हॉस्टेज बना दिया है कश्मीर पे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर कश्मीर नहीं मिलेगा तो मैं कभी तरक्की नहीं करूंगा, ये कौन कहता है? आप चाइना का आप देखिए ताइवान के साथ, चाइना चाहता क्या है? वो छोटा सा एक आइलैंड चाहता है, लेकिन चाइना का इस समय हालत इतनी खराब है, जब उसके पास शक्ति थी, बहुत बड़ी ताकत थी इकोनॉमिक, तब भी वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो छोटे से आइलैंड को लेना इतना महंगा पड़ेगा, उसकी छवि इतनी खराब हो जाएगी, इतना खर्चा आएगा, उसको फिर बाद में वापस ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये माइंडसेट को बदलना है कि क्या मुझे एक छोटी सी जमीन चाहिए या मुझे डेवलपमेंट चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं जब मैं सूडान में भारत का राजदूत था तो दक्षिण सूडान अलग हो गया था, दो देश बन गए, और मैं बात करता था विद द पीपल ऑफ साउथ सूडान विद द लीडरशिप, मेरे बहुत दोस्त है, अभी भी मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, कई बार मुझसे पूछता कि आपका गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट? अब एक तो होता है अफसाना, हम दुनिया का सबसे अमीर देश बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोग यार दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन आप लोग चाहते क्या? तो फिर कहते हैं हमें ये चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, ये हो, ये हो, और फिर हमेशा मुझे कहते हैं कि इंडिया इज आवर चॉइस, रोल मॉडल जो होता है जिसकी हम नकल करें वो हमारे लिए भारत है। और फिर बेटी एक बहुत पुराना पेप्सी का इश्तेहार आता था, मेरा जवाब हमेशा वही होता है, जब वो कहते ना कि हमारे आवर चॉइस इज इंडिया, तो मैं जवाब देता हूँ यही है राइट चॉइस बेबी, जो इश्तेहार आया करता था मेरे बचपन में पेप्सी का, कि फॉलो द पाथ, हमने व्हाई डू यू रीइन्वेंट द व्हील, हमने आपको बता दिया है कि हम शायद आपको नहीं बता पाएंगे जब मैं इन देशों में जाता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ये चीजें आप लोग समझ जाएं, गिव अप दिस ऑब्सेशन, कुछ नहीं मिलने वाला, 75 साल में क्या मिला है, कितना खर्चा किया, हमने तो एक एनालिसिस किया था, $1 बिलियन अगर आप हर रोज खर्च कर रहे हैं या $100 मिलियन कितना टोटल अमाउंट, तब से लेके आज तक शायद हमने एक $500 बिलियन स्पेंड कर दिया। मैं तो अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, मेरी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आपकी $250 बिलियन की आप नहीं अब्सॉर्ब कर पाते। तो अगर इतना खर्चा हो रहा है, मिला क्या है? अब तो सच्चाई को पहचानिए। मेरा बहुत गहरा संबंध है बहुत बौद्ध धर्म से, तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि नेवर लाई टू योरसेल्फ, अपने आप से झूठ मत बोलो, इंट्रोस्पेक्शन करो और आपको रास्ता मिल जाएगा। बहुत से होशियार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अलग बात है कि पढ़े लिखे लोग सारे विदेशों में भाग जाते हैं, शायद कहते हैं 10 लाख पिछले साल चले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो फ्यूचर है मैम, ये आपको मिलेगा जब आप अपने अंदर देखेंगे। और आप तो जा रहे हैं टुवर्ड्स प्रिमिटिव रिलीजन, सऊदी अरेबिया को देखो, अब आपके जो न्यूयॉर्क में एम्बेसडर हैं वो शायद 80 साल के हैं और 20-25 साल पहले होते थे, किसी लड़की को पीट पूट दिया था जो उनकी लिव इन पार्टनर थी, तो पुलिस आ गई थी गिरफ्तार करने, बड़ी बड़ी कहानियां उनके बारे में सुनी है। तो अब क्या है कि सऊदी अरेबिया या लेबनान या यूएई कोई नहीं बात करता अबाउट मुस्लिम्स इन इंडिया, वो कहते जी हम उनके रखवाले नहीं है, भारत नोज व्हाट टू डू, लेकिन आपके एम्बेसडर ओ जेनोसाइड हो रहा है मुस्लिम्स का, भाई टाइगर ये तो मैं तेरे को बता देता हूँ, जेनोसाइड एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट होता है, रिलीजियस ग्रुप के नहीं होता। मुसलमान लोग दुनिया के 150 देशों में रहते हैं, तो क्या सभी देशों में जाके हम उनको मार रहे हैं? यू नो ही इज लॉस्ट हिज माइंड, इतना हेट्रेड नफरत भरी हुई है कि वो सच्चाई देख नहीं चाहते। सो जिस दिन जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, अगर आप उनको डेवलपमेंट दे दें, पीस दे दें, प्रॉस्पेरिटी दे दें एज एन ओपियम, इट इज अ मोर पावरफुल नारकोटिक than religion, ये मेरा मानना है।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर यहाँ पर ये भी देखने में आया पाकिस्तान में कि आपकी जो अभी गवर्नमेंट गई है, यानी अभी तो इलेक्शंस हो रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी जी की, वो फेमस नहीं है पाकिस्तान में, पता नहीं क्यों। और कांग्रेस को बहुत वाहवाही मिलती है, हालांकि कांग्रेस के टाइम पे भी हमारा झगड़ा ही रहता था, प्यार मोहब्बत उसको भी नहीं था, तो सर क्यों क्यों ये डिफरेंस है एक सवाल जी? पूछूं, कितने देखिए पाकिस्तानी वोट करेंगे भारत के इलेक्शन में? मुझे क्या फर्क कोई पड़ता है अगर तो उसको, अगर आप उसको गले लगा लेते हो किसी पार्टी को, आप वोट तो नहीं कर रहे। और ये विदेशी लोग जो, क्यों है? दिस इज व्हाट आई वांट टू क्योंकि अंडरस्टैंड। क्योंकि उस टाइम पे वी वर रफली नेक एंड नेक। अगेन मैं इसका फिर रिग्रेशन एनालिसिस का इतना बताऊंगा, टिल अबाउट 2010 2012 तक लगभग हम बराबर चल रहे। 2011 में तो पहली बार बेटा, पहली बार हमारी पर कैपिटा की बात कर रहा हूं, आपसे ज्यादा हुई 2011 में फर्स्ट टाइम। उससे पहले बराबर की थी, आपकी थोड़ी ज्यादा थी। उसके बाद जब ये आए तो फिर तो रॉकेट की तरह हम उड़ पड़े विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये तकलीफ होती है कि ये कहां से कहां पहुंच गए। हमारी सभ्यता में और दुनिया की जितनी सभ्यता है, मैंने सब जगह देखा, ईर्ष्या जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप चाहते हैं कि भाई वो वाली सरकार लाओ जो कुछ ना कर सके। ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे विदेशी फ्रेंड्स यहाँ आते हैं, कई बार मैं उनसे मिलता हूँ, मुझसे कहते हैं कि आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर देखो बेटा, आपको मैं फिगर्स देता हूँ, कुछ करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखे। यू नो यू आर इनसेनली पॉपुलर, आपका जो चैनल है सारी दुनिया देखती है। अब मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, 28 किलोमीटर ऑफ हाईवे एवरी डे हम बना रहे हैं। हम 8 नए एयरपोर्ट एवरी ईयर हम बना रहे हैं। 2 नए मेट्रो सिस्टम एवरी ईयर हम बना रहे हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, जिसमें से 51% हमारी बेटियां हैं। देखिए जब ये ग्रेजुएट करेंगे, पढ़ लिख जाएंगी, फैमिलीज अपने आप कम होंगी, क्योंकि अब हमारा ऑलरेडी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी जितने बच्चे एक महिला पैदा करती है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, वो 1.9 पे पहुंच गया। जबकि रिप्लेसमेंट रेट जीरो ग्रोथ रेट के लिए आपको 2.1 तक होना चाहिए, हमारे उससे कम हो गया 1.9। लेकिन आबादी बढ़ रही है क्योंकि हम वी आर ऑल्सो लिविंग लॉन्गर, ये इसका मेन कारण है। तो ये चीजें जब आप बड़े ध्यान से इनको सोचेंगे कि गाली गलौज से कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर सारी दुनिया हमसे कह रही है, पश्चिमी देश, कि वो रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब से उनसे बात करो कि भाई ये कुछ खामोश हो जाए, शांत हो जाए। तो हमने कहा आप क्यों नहीं बात करते? बोले हम कैसे बात करें, हम तो उसको गाली दे रहे थे, हम उसको वॉर क्रिमिनल कह रहे थे, हम उसको टेरेबल फेलो मर्डरर कह रहे थे। तो मैंने कहा किसने बोला था गाली देना? मुझसे सीखो भाई, मैं तो चाणक्य की संतान हूं, डिप्लोमेसी मैं आपको सिखाता हूं। क्योंकि एक बार आपने गाली देनी शुरू कर दी, फिर रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते टू अब्यूज विद अब्यूज, हम कहते हैं जो वो कहना चाहता है उसको कहिए। देखिए जब आपके राजदूत साहब ने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हमारे आगे, तो हमारी जो एम्बेसडर है वहां पे यंग, शी मस्ट बी नाउ अप्रोचिंग 60, लेकिन जब मैं फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था, ये नई नई आई थी, तो आई क्लेम द प्रिविलेज ऑफ हैविंग ट्रेन्ड रुचिरा कंबोज, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, हर तरह से आउटस्टैंडिंग। उसने क्या जवाब दिया कि देखिए ये गाली गलौज से कोई फायदा नहीं है, हमारा कॉमन एम है टू डील विद टेररिज्म, तो हमारा डिस्कोर्स सिविलाइज्ड रखिए, आप मोहब्बत से बातचीत करिए, अगर मोहब्बत नहीं भी कर सकते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करिए, अब्यूज करने से कोई फायदा नहीं है, और जो हमारे कॉमन चैलेंजेस हैं उनसे डील करिए। हर चीज में कश्मीर कश्मीर कश्मीर, सारी दुनिया, आपका क्या ख्याल है मैम, तीन देशों में जहां मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, लिसोथो, गिनी बिसाउ, साउथ सूडान, उनको तो पता भी नहीं कश्मीर का है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये ऑब्सेशन को तोड़ना पड़ेगा मैम, और जिस दिन ये टूट गया, आई कैन अश्योर यू, जब आप भविष्य की तरफ देखेंगे आने वाले समय में, यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ विद इन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, डू आई हैव अ फ्यू मिनट्स मोर? जी जी प्लीज प्लीज जी। यार हमारी जो एपिक है रामायण, विच इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स आर हिस्ट्री, तो उसके अंदर मैं यही कहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े जासूस स्पाई मास्टर थे भगवान श्री हनुमान। आजकल तो हमारे अजीत डोवाल साहब है, उनके भी गुरु थे, उन्होंने पता लगा दिया कि सीता मैया को रावण ने लंका में कैद कर रखा है, उनके सोर्सेज ने बता दिया, वो कहते ना हमारे स्रोतों ने बताया, उनको पता लग गया। लेकिन एज अ गुड स्पाई मास्टर उन्होंने कहा मैं खुद जाके देखूंगा, आई वॉन्ट टू डिस्कवर दिस, फाइंड हर माई सेल्फ। तो वो चले गए टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया कॉल्ड रामेश्वरम, वहां से लंका उस टाइम पे 40 कोस 120 किलोमीटर दूर था। अब सवाल ये होता है कि वहां जाओगे कैसे, उस टाइम पे तो ट्रेन नहीं थी, पानी के जहाज नहीं थे, एयरक्राफ्ट नहीं थे, कार्स नहीं थी।
10,000, 15,000, 20,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वो बैठे हुए बड़े निराश थे। और फिर भालुओं का राजा जम्बोवन या जम्बोवंता जिसको कहते हैं, वो आया और बोला, हनुमान अपनी ताकत याद कर। और उस समय पर भगवान हनुमान ने अपनी ताकत याद करी, एक छलांग लगाकर लंका में पहुंच गए। तो बेटा आज हर घर में भारत में एक जम्बोवंता है, हम वो दूसरों को उनकी ताकत याद करा रहा है और अपनी ताकत वो खुद जानता है। मैं शायद अभी तक 3 करोड़ बच्चों से, यंग माइंड से बात कर चुका हूँ। हमारे प्रोग्राम्स होते हैं शेपिंग यंग माइंड्स, जब मैं अभी भोपाल में था तो वहीं पे इसी विषय में हम लोग बातचीत कर रहे थे। मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि बताइए कि भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है, तो एक देश का देंगे, नंबर 2 कौन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। फिर मैं जब आपके देश का नाम लेता, मैंने उसका, हाँ सर भूल गया सर, वो क्या फर्क पड़ा, छोटा सा तो है। बट आप दूसरी साइड पे सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया। सो यू नो वी हैव टू लुक बियॉन्ड। बेटा भगवान हमें आंखें आगे देता है, पीछे नहीं। पीछे मत देखिए, हमेशा आगे की तरफ देखिए और बढ़िए आगे। आपके पास पोटेंशियल है, बट उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए। अपनी सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना है। आपको भी एक जम्बोवंता की आवश्यकता है आपके देश में। बिल्कुल सर, हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी बात करें जिससे हमारे लोग भारत से बहुत कुछ सीख सकें और हम भी आगे बढ़ सकें और हम पीछे की तरफ ना देखें, जो कुछ हुआ उसको एक तरफ रख के और आगे दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। बट सर स्टिल, अगर हम लास्ट में बात करें इसराइल और फलस्तीन की, क्या देख रहे हैं आप कि इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, ये वॉर बंद आपको बता देता हूँ। हमास क्या कहता है कि इसराइल को जीने का हक नहीं है, इसराइल क्या कहता है कि हमास को जीने का हक नहीं है, तो पहले सरेंडर कौन करेगा? द सेम थिंग विद यूक्रेन बेटा। जब मैं अपने दोस्तों से, बुद्धिजीवियों से, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, पुतिन क्या सरेंडर करेगा? सवाल नहीं पैदा होता, नौकरी चली जाएगी। और वो जो सर्कस का जोकर है यूक्रेन में बैठा हुआ, क्या वो सरेंडर करेगा? सवाल नहीं पैदा। 80% देश उसका बर्बाद हो गया, अब सरेंडर करके क्या करेगा? और वो बुड्ढन साहब जो क्या नाम उसका, जो बाइडन साहब जो बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, वो कहेंगे जी मैं हथियार नहीं देता? सवाल नहीं पैदा होता, उसकी इलेक्शन आने वाली है। चीन जो है वो रूस का समर्थन करना बंद करेगा? सवाल नहीं पैदा होता, चीन का दुश्मन तो अमेरिका। तो अगर सब कमिटेड है कि कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है शांति में, तो शांति कहां से आएगी? सिमिलरली जिस दिन इसराइल ने कहा अच्छा चल हमास भाई तू भी जी रहे मैं भी जीऊंगा, अलग बात हो जाएगी। लेकिन हमास ये कहता है कि आपको जीने का, यहूदियों को जीने का हक नहीं है, तो हाउ डू यू फाइंड पीस? मेरा अपना मानना है ये जंग चलता जाएगा, किसी के का इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर शांति हो। अगर इतना इंटरेस्ट होता मैम, जो लोग आलोचना करते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरा उनसे ये सवाल यही रहता है, भाई आपकी 57 है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप लोग बांट लीजिएगा। जॉर्डन ले गया था कितने सारे पैलेस्टीनियंस को 1967 वॉर के बाद। और फिर आपको याद होगा 1970 में वहां क्या हुआ था, जब आप ही के एक आर्मी ऑफिसर ने मार मार के पैलेस्टीनियंस की नाक में दम कर दिया था। फिर वो आपके आर्मी ऑफिसर जो समय वहां ट्रेनिंग मिशन पे थे, बाद में आपके प्रेसिडेंट बने। तो ये चीजें जब होती हैं कि हु वांट्स देम, नोबडी। अगर आप उनका प्रयोग कर रहे हैं इसराइल को कंडेम करने के लिए, कंडेमनेशन से क्या होगा? इसराइल नोज कि उसके लिए एग्जिस्टेंशियल है, मेरे जीवन पर खतरा है, वो उसने प्रूव कर दिया हमास ने। ऑन द सेम लाइंस आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, हम लोग आपको हड़प नहीं करना चाहते, जो वो नैरेटिव बनाया जाता ना बेटा। और आप जैसे मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तानी आप उस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं, एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई डोंट से आपको करना चाहिए, आप तो कर रही हैं, यू आर इन द थिक ऑफ इट। और आप जैसे बहुत हैं जो बातचीत करते हैं कि भाई भूल जाओ, अब आगे की तरफ बढ़ो, 75 साल पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी खत्म होगी। आपको याद है मलेशिया और इंडोनेशिया, मैंने तो सर्विस किया उस एरिया में, वो 60s में कॉन्फ्रंटासी कहते थे, आपस में कॉन्फ्रंट है, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। उसके बाद फिर वो सुकार्नो साहब चले गए अपनी हुरों के पास, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से, और फिर ये दोनों लीडर्स जो नए लीडर्स थे दोनों तरफ मलेशिया इंडोनेशिया, आपस में मिले, बोले डार्लिंग डार्लिंग, चलिए दोस्त बन जाते हैं, और आसियान बन गया 1967, अब वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। सो यू नीड फॉरवर्ड थिंकिंग। इथियोपिया में जो उनके राष्ट्रपति बने थे एबी अली, उन्होंने रिट्रिया से कहा यार टाइगर तू तो मेरा फर्स्ट कजन है, क्यों लड़ रहा है मेरे साथ, अजा बॉर्डर पे, मैं भी आ रहा हूँ बॉर्डर पे, मिलकर चाय पियेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। वो बाद में फिर शुरू हो गई, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट द अटेम्प्ट वॉज टू फाइंड इट आउट, टू सॉल्व इट थ्रू फॉरवर्ड थिंकिंग, through free thinking, how long can we be trapped in the past? तो गाजा कभी यही है। इसराइल कहता है कि आप यहां से चले जाओ, मैंने देख लिया इतने सालों से आप यहां बैठे हो, मैंने आप वो गाजा पैलेस्टीन अथॉरिटी कभी बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, गाजा को एक टाइम पे अब आरोप लगाया जाता है कि इसराइल ने सपोर्ट भी किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा।
ये सारी चीजें अगर देखें, फॉरगेट द पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट और फिर विद कॉन्फिडेंस मूव टू द फ्यूचर. आई डोंट सी एन एंड टू द गाजा कॉन्फ्लिक्ट टिल देयर इज अ चेंज थॉट प्रोसेस दोनों साइड. बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए. नॉर्विश कैसा ही हो, क्योंकि आप जैसे लोगों को हम लोग सुनते रहते हैं और उसी से सीखकर यकीनन पाकिस्तान भी आई एम श्योर के आगे बढ़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो. थैंक यू बेटा. थैंक यू वेरी मच एंड भगवान हमेशा आपके साथ रहे. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और दीपक वोरा साहब का ये डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. हमने देखा है दीपक वोरा साहब हमेशा आरजू काजमी जी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं. और ना सिर्फ दीपक वोरा साहब को जबरदस्त नॉलेज है ग्राउंड रियलिटी के बारे में, क्योंकि उन्होंने कई सारे देशों में भारत के एम्बेसडर के तौर पे काम किया, बल्कि दीपक वोरा साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी कमाल का है. बाकी आपने देखा कि दीपक वोरा साहब ने पाकिस्तान को यही नसीहत दी कि पाकिस्तान को कश्मीर का ऑब्जेशन छोड़ना पड़ेगा अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है और भारत के साथ कदम मिलाना चाहता है. और जैसे कि हम जानते हैं दीपक वोरा साहब एक बहुत ही बड़े डिप्लोमैट, एक बहुत ही बड़ी राजदूत यानी कि एम्बेसडर रहे हैं. और खासकर उन्होंने हनुमान जी के बारे में बात की कि सबसे बड़े डिप्लोमैट तो हनुमान जी थे. और दूसरी ओर मुझे एक बात दीपक वोरा साहब की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने रामायण को माइथोलॉजी नहीं हिस्ट्री बताया, यानी काल्पनिक नहीं एक सच्ची घटना बताया. तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.